नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस प्रकार धूल गर्दा और पत्थर का चूर्ण खेत में लगे फसलों को ढक दिया है। यहाँ पर चल रहे क्रेशर और सड़क से उड़ने वाले धूल कण के कारण जहाँ खेती नष्ट हो रही है, वहीं किसानों को खेतों में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। भुरकुंडा भदानी नगर के कई गांव का यह हाल है जो धूल गर्दा से होने वाले प्रदूषण से परेशान हैं। इंसान के साथ जानवर भी प्रदूषण से बेहाल हो गए हैं। कई किसान ऐसे भी हैं जो प्रदूषण के कारण खेती छोड़ने का मन बना चुके हैं, परंतु उनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण लाचारी में इस बदहाली में खेती करने के लिए मजबूर हैं। किसानों द्वारा लगाए गए खेती नष्ट हो रहे हैं, परंतु अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस क्षेत्र में कई अवैध पत्थर माइंस चल रहा है, इन्हें कैसे और कौन पर्यावरण क्लियरेंस दिया है? किसानों का कहना है कि यदि इसी प्रकार हमारी फसलों में धूल गर्दा उड़ता रहा और फसल बार बार नष्ट होते रहे तो हमें मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी, अन्यथा हम किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। अलुआ, आलू प्याज दाल कर ले जाए। कैसे बरात हो रहा है? कैसे गर्दा से? क्या बोलता बोलो? का कहते हो? का तोरे गर्दा जा जा हरी गर्दा ना थी। गर्दा कहां से आ रहा है? क्या क्या दिक्कत है गर्दा से? गर्दा से बहुत परेशानी है। बहुत पर पानी है, घर वो दूरा सब जतरा लूंगा सब भरवा। कपड़ों घट जाकर व्यवस्था ना। परेशानी क्या है? गर्दा से खा रहा है गोली, गोली खा रहे हैं गर्दा। कैसे कैसे रेखा खोल लिया है यहाँ? क्या लगा है? आलू है, आलू है, मिराई है, सरसों है। बर्बाद हो रहा है उससे? खराब हो तो नहीं है। मूली है, मूली है, सरसों है लगावा में। कितना गर्दा उड़ता? बीमारी भी डर रहता है क्या? बीमारी का डर नहीं रहता है, बीमारी नहीं रहा। पेट में जाएगा अंदर, काट हो जाएगा, माल बंधा जाएगा, उसमें बीमारी भी नहीं जाना। क्या बोलता बोलो? आम नहीं किसी की बोल रहे, अब तक नहीं बोले, अब तक मांग नहीं किए। हम बोले गर्दा से सब्जी उब्जी नहीं हो रहा है, फिर आलू लगा रहे हैं, आलू भी खराब हो रहा है, बैंगन भी खराब हो रहा है, दुनिया बीमारी हो रहा है, सब बच्चा का जो भी अपनी तबीयत खराब हो रहा है, सब सुधार तो पूरा बर्बाद हो गया। क्या क्या चलता है यहाँ पे? माइन से चलता पतला माइन से टूट रहा है। हाँ, एगो दिलीप गांधी के, एगो रोहिंग देवी, उधर कृष्णा उधर क्या चल रहा? माफी है, कालेश्वर चल रहा। कल के आवाज में हमारा घर पूरा दरक दिया है, छोड़ दिया है, क्या उनका पूरा फट गया है। अब हम लोग तो बोलते हैं कि घुसो घुसो, तो हम लोग घुसेंगे, बाहर में रहेंगे तो बाहर से भी डर लगता है, अंदर में रहेंगे तो अंदर से डर लगता है। क्या आवाज हुआ था? पतला खदान में था, आवाज कर रहा था, पैर पाते ले जा रहा, लगा हुआ है, धूल गर्दा उड़ता है। पहले पानी नहीं छिटाता था रोड में, अब कुछ नहीं आता है। धूल गर्दा कहाँ से आता है? रोड से उड़ रहा है, रोड बना हुआ नहीं है, इसलिए इसको बनाना चाहिए। और इधर क्या क्या चलता? क्रेशर चल रहा है दो दो, और सही सब है। खेती बाड़ी में करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत, ना ज्यादा गर्दा में रहने का मन नहीं करता है। हम लोग का यहाँ ब्लास्टिंग होता है तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है, और गर्दा उड़ता है तो उससे भी बहुत परेशानी होता है। गिट्टी का एकदम टुकड़ा इधर उधर छिटाल रहता है तो किसी का लग उग जाएगा, पूरा गर्दा से एकदम आते जाते एकदम आदमी सब पूरा एकदम गर्दा से अकबक हो जाता है। इसमें क्या नुकसान हो रहा है? इसमें तो पूरा गर्दा से हमको अभी तो नुकसान, जैसे जो हम लगाए हैं सब्जी वो सब तो गर्दा से पूरा सब परेशान हो गए हैं, और जो काम भी करता है वो भी एकदम कचड़ा एकदम हो जाता है आदमी,
नहीं हम लोग जाते हैं तो हम नहाने के बाद कुछ काम नहीं करने मन करता है, ये सब खाना भी नहीं खाते हैं, यहाँ बारी में कौन खाएगा खाना, ये सब कचरा से पूरा एकदम गर्दा से पूरा भर जाता है, गर्दा से दिक्कत है, पूरा सागर में घर पूरा कोटे से पूरा क्या रोपे है आलू इधर देख रहा क्या अच्छी गर्दा से क्या परेशानी हो रहा है गर्दा से सड़क पे जाने क्या बोलता बोलो जाओ का